काली और गोरी बेटी की शादी। ममता के गर्भवती होने की बात से अनिल बहुत खुश होता है। 9 महीने बाद ममता एक बेटी को जन्म देकर मर जाती है, मगर जाते जाते वो उस बच्ची को काजल नाम देकर अनिल को अपनी बेटी की जिम्मेदारी का वादा लेकर चली जाती है और अनिल कामिनी से दूसरी शादी कर लेता है। लाइए बच्ची को मुझे दे दीजिए। कामिनी, काजल मेरी ममता की आखिरी निशानी है, तुम इसके साथ कोई सौतेलापन तो नहीं करोगी ना? अजी, यशोदा भी तो कृष्ण की असली माँ नहीं थी, उसे जन्म देवकी ने दिया था, मगर नाम तो यशोदा का ही लिया जाता है। भले ही मैंने काजल को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, मगर आज से ये मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ हूँ। कामिनी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से पूरी तरह से अनिल को अच्छे होने का यकीन दिला दिया था, मगर अनिल के पीठ पीछे वो बेचारी बच्ची को रोता बिलकता भूखा छोड़ देती। गुजरते वक्त के साथ कामिनी भी गर्भवती हो जाती है, उसे भी एक बेटी होती है। कामिनी की बेटी बहुत ही गोरी चिट्टी और सुंदर होती है। अजी जरा देखिए तो सही, हमारी बेटी कितनी सुंदर है, इसकी शादी में हमें दहेज नहीं देना पड़ेगा। कामिनी अपनी गोरी बेटी का नाम लावण्या रखती है। वो अक्सर काजल के खिलाफ अनिल के मन में जहर भरती, जिसके बाद अनिल ये तक भूल गया कि लावण्या के अलावा उसकी एक बेटी काजल भी है। वो लावण्या के लिए हर दूसरे दिन खिलौने लाया करता, वहीं काजल के पास अपना कहने को कोई भी नहीं था। धीरे धीरे दोनों बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। अपने गोरे रंग के कारण लावण्या बहुत ही घमंडी होती है। अरे ओ काली कलूटी, चल साइड हो, मुझे तैयार होने दे। नहीं, पहले मुझे तैयार होने दो, मैं शीशे के सामने पहले आई थी। शीशे को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी कामिनी वहां आकर काजल को जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है, तुझे कितनी बार कहा है ना, अपनी काली शक्ल लेकर मेरी बेटी के आसपास मत भटका कर। लावण्या बेटी, ये ले, मैं तेरे लिए नई क्रीम लाई हूँ, तू इसे लगाना, इससे तू और भी ज्यादा सुंदर और गोरी लगेगी। काजल आंसू भरी आंखों से अपने पिता को देखती है और उसके पास जाती है। पिताजी, पिताजी, आज माँ ने मुझे फिर से मारा, वो बस लावण्या को ही प्यार करती है, वो मेरी माँ नहीं। किस हक से तूने मुझे पिताजी कहा? मैं सिर्फ लावण्या का पिता हूँ, तेरा नहीं। तूने मुझसे मेरी ममता को छीन लिया, तू मनहूस है मनहूस, अपना काला चेहरा लेकर मेरे सामने से चली जा। अपने पिता की कड़वी बातें सुनकर काजल रोते हुए चली जाती है। इसी फर्क के साथ दोनों बेटियां काजल और लावण्या शादी के लायक हो जाती हैं और अनिल अपनी दोनों काली गोरी बेटियों की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगता है। काजल, काजल, अरे ओ काजल, कहाँ है तू? जी पिताजी, कहिए। कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, ये कुछ पैसे ले और अपने लिए कोई साड़ी या सूट ले आना। अनिल काजल को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। तभी कामिनी काजल से पैसे छीन कर कहती है, कोई जरूरत नहीं है नए कपड़ों की, लावण्या के बहुत से पुराने सूट पड़े हैं, उन्हीं में से कोई पहन लेना। हाँ क्यों नहीं, मेरे उतारे कपड़ों मेरी काली बहन के ही तो काम आने वाले हैं, मैं कोई भी कपड़े एक बार से ज्यादा दोबारा नहीं पहनती, फिर चाहे वो कितने भी महंगे क्यों ना हो। वैसे भी मैं तो सारे कपड़े भिखारियों को देने ही वाली थी। काजल के लिए लावण्या के पुराने कपड़े पहनना कोई नई बात नहीं थी। अगले दिन काजल लावण्या का दिया पुराना सा सूट पहनकर तैयार हो जाती है और मंजू अपने बेटे संदीप के साथ काजल को देखने आती है, मगर काजल का काला रंग देखकर वो शादी के लिए मना कर देती है। माफ करना भाई साहब, ये रिश्ता नहीं होगा, देखिए मेरे बेटे को, मेरा बेटा दूध की तरह गोरा है और आपकी बेटी तो अमावस की काली रात है, आते ही मेरे घर को अंधेरा कर देगी। माँ, एक सांवले रंग के लिए आप काजल को ठुकरा रही हैं? रंग में क्या रखा है, मुझे काजल पसंद है। संदीप पेशे से एक कलेक्टर था, इसलिए वो बहुत ही खुले विचारों का था। काजल की शादी तय होने के कुछ ही दिनों बाद लावण्या की शादी भी रणवीर नाम के एक लड़के से तय हो जाती है और दोनों बेटियों के होने वाले ससुराल से शादी का शगुन आता है। देख देख मेरी काली बहन, मेरे ससुराल वालों ने मुझे कितना महंगा शगुन भेजा है, पता है मेरी शादी के लिए उन्होंने लाखों का लहंगा भेजा है, पर तेरा होने वाला सो कॉल्ड खुद्दार कलेक्टर पति, उसने बस ये तुच्छा सा लहंगा भेजा है। लावण्या, ये हमारी शादी का शगुन है,
कम से कम इसे तो पैसों में मत तोलो, मैं अपने सस्ते से लहंगे में भी बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, अब जो है जितना है उसी में खुश रहने की आदत तो डालनी ही होगी। कामिनी अपनी गोरी बेटी की हल्दी के लिए महंगा ड्रेस बनवाती है और वहीं अपनी काली बेटी को पीले रंग की सस्ती सी साड़ी पहनने को देती है। लावण्या बेटी, ये ड्रेस पहनकर आ जा, हल्दी शुरू होने वाली है। थैंक यू सो मच मम्मी, मेरी हल्दी की ये ड्रेस कितनी अमेजिंग है, मैं तो इस ड्रेस में इंस्टा पर बहुत सारी पिक अपलोड करूंगी। अरे ओ मेरी काली बहना, तू ना बस मुझसे दूर ही रहना। थोड़ी देर में दोनों बहनों की हल्दी शुरू हो जाती है। सभी मेहमान कामिनी और अनिल अपनी गोरी बेटी लावण्या को खुशी से हल्दी लगाते हैं। भगवान करे मेरी बेटी लावण्या को उसके ससुराल में हर खुशी मिले। अरे देखो तो सरा, ये हल्दी का रंग मेरी गोरी बेटी के चेहरे पर कितना खिल रहा है, कितनी प्यारी लग रही है तू, किसी की नजर ना लगे तुझे। डोंट वरी मामी, मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी, मेरी काली बहन है ना मेरा काला टीका। लाओ दो मेरी प्यारी काली बहन, मैं भी तुम्हें हल्दी लगा देती हूँ, कम से कम तुम थोड़ी गोरी तो नजर आओगी। गोरी कमंडी लावण्या हल्दी के बीच में ही अपनी काली बहन की बहुत बेइज्जती करती है, इसीलिए कि लावण्या गोरी होती है। शादी से जुड़े उसके हर शौक पूरे किए जा रहे थे, फिर चाहे वो महंगी से महंगी ज्वेलरी हो, लहंगा हो, यहाँ तक कि उसकी शादी के लिए अलग से महंगा मंडप भी सजाया जाता है, वहीं काजल के लिए हर चीज में कंजूसी हो रही थी। लावण्या बेटी, पार्लर वाली आ गई है, तू जल्दी रेडी हो जा। अरे सुनो जरा, मेरी बेटी को ऐसा सजाना कि सभी लोग देखते रह जाएं। श्योर मैम। मम्मी, आपने मेरे लिए पार्लर वाली नहीं बुलाई? अरे तुझे पार्लर वाली की क्या जरूरत है, तू तो पहले ही इतनी काली है, तुझ पर कितना भी मेकअप घिस लेंगे ना, तब भी तू अमावस का खोया हुआ चांद ही लगेगी, हूर की परी नहीं हो जाएगी, फिर तुझ पर फ्री फंड के पैसे क्यों फूकना। काजल उदास होकर खुद ही से तैयार हो जाती है और आंखों में आंसू लेकर अपने पिता के कमरे में जाती है। पिताजी, आज इस घर आंगन से हमेशा हमेशा के लिए मेरी डोली उड़ जाएगी, अपनी इस अभागन बेटी को आज तो आशीर्वाद ही दीजिए। अचानक दीवार पर टंगी तस्वीर जमीन पर गिर जाती है और अनिल को अपनी पहली पत्नी ममता से किया हुआ वादा याद आता है, जिसके बाद वो काजल के साथ किए गए खुद के फर्क पर फूट फूट कर रोता है। बेटी अपने इस पिता को माफ कर दे, कामिनी ने मुझे मेरी अपनी औलाद से दूर कर दिया और आज मेरी उस बेटी की शादी है, तेरे सामने आज तेरा अभागा पिता तुझे दिल से दुआ देता है, तुझे तेरे ससुराल में इतना प्यार मिले कि तुझे इस मायके की याद ना आए। इसके कुछ ही पल में दोनों बेटियों के फेरे शुरू होते हैं, तभी अचानक फेरों में लावण्या के लहंगे में आग लग जाती है, जिसे देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है, मगर काजल मंडप से भागकर आती है और अपने हाथों से आग बुझाती है, जिस कारण उसका हाथ जल जाता है। लावण्या मेरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? भगवान का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ काजल दीदी। देख लिया कामिनी, मेरी बेटी को तुम जिंदगी भर कोसती रही, आज उसने लावण्या की जान बचाई। काजल मेरी बेटी, अपनी इस माँ को माफ कर दे, अगर आज तू ना होती तो जाने क्या होता। काजल अपनी माँ को माफ कर देती है, जिसके बाद धूमधाम से दोनों बेटियों की शादी और विदाई होती है। काजल अपनी जिंदगी में आज बहुत खुश है। माधुरी अपने दो बेटों और एक बहू स्वरा के साथ रहती थी। माधुरी एकदम पक्के ब्राह्मण से थी, उसके घर के खाने में लहसुन प्याज का छौंका भी नहीं लगता था। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे बहू, ला भगवान जी के आगे चढ़ाने को भोग लिया। लाई माँ जी। माधुरी खाना बनाते ही खुद खाने से पहले भगवान जी को भोग लगाना जरूरी समझती थी। उसकी बहू स्वरा भी काफी आदर्श और संस्कारी थी और इसी तरह सिलसिला जारी था कि एक दिन माधुरी का बेटा वीर एक अंग्रेजन लड़की को अपने घर लेकर पहुंचा। अरे बेटा, ये कौन है? माँ, ये लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं इसे आपसे मिलवाने ले आया। आओ आओ बेटा, स्वागत है। माधुरी ने एमी को घर में बुला लिया और उसकी काफी खातिरदारी की। जब थोड़ी देर हो गई तब वीर घबराई हुई आवाज में बोला,
माँ, मैं और एमी एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं इसे इसीलिए आपसे मिलवाने लाया हूँ। क्या ये विलायती लड़की? नहीं माँ, एमी पूरी तरह विदेशी नहीं है। इसके बाबा की जन्मभूमि भारत ही है, इसीलिए ये हमारी भाषा को भी बखूबी समझती है। अरे बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये विलायती है ना, जाने इसका खाना पीना तौर तरीके कैसे होंगे। मैं इसे अपने घर की बहू कैसे बना लूं? घबराइए नहीं सासू मम, मैं अपने ससुराल के लिए अपने तौर तरीके बदलने को भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे अपना लीजिए। हाँ माँ, एमी हमारी तरह रह लेगी। प्लीज आप मुझे एमी से शादी करने दीजिए। मैं चाहता तो बाहर ही किसी मंदिर में शादी कर सकता था, लेकिन यह सब कुछ आपने हमें नहीं सिखाया है। और मेरा और एमी का यही मानना है कि सभी काम माँ बाबा की मर्जी से ही होने चाहिए। माधुरी को अपने बेटे पर ममता आ गई और उसने वीर की शादी एमी से करवाने का फैसला ले लिया। मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करवाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरे घर के कुछ रीति रिवाज मानने पड़ेंगे। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। माधुरी एमी को देखकर मुस्कुराई। एमी को लगा कि उसकी सास बस पूजा पाठ को बोल रही है और उसने बिना सोचे समझे ही कुछ भी करने को हाँ कर दिया। फिर क्या था, दोनों परिवारों में शादी को लेकर रजामंदी हुई और वीर की शादी एमी से हो गई। शादी के बाद आज ससुराल में एमी की पहली रसोई थी। देख बहू, सबसे पहले तू मीठे में हलवा बनाकर चूल्हा पूजन कर दे और फिर तेरा जो मन हो वो चीज बना देना। जी सासु मॉम। एमी पहली रसोई में काम पर लग गई। उसने बहुत ही स्वादिष्ट हलवा तो बना दिया, लेकिन अब सवाल था कि वो खाने में क्या बनाए। मैं खाने में क्या बनाऊं, मुझे तो इंडियन फूड ज्यादा बनाना भी नहीं आता है। आइडिया, आज तो मैं सभी के लिए फ्राइड चिकन और फ्राइड राइस बनाऊंगी। एमी ने फ्रिज में चेक किया तो उसे चिकन नहीं मिला। अजीब है, मेरे घर के फ्रिज में तो हमेशा चिकन भरा रहता है। जो भी हो, अभी खाने में काफी टाइम है, मुझे ऑनलाइन चिकन मीट मंगवा लेना चाहिए। एमी ने यही किया, उसने ऑनलाइन चिकन मीट ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय मीट ले आया और दरवाजे की घंटी बजाने लगा। न जाने इस वक्त कौन आ गया। स्वरा ने जाकर दरवाजा खोला और उसने जैसे ही उस मीट के पैकेट को हाथ में लिया तो उसे कुछ गिलगिला सा महसूस हुआ और उसके हाथों से चिकन की थैली गिर गई और वो जोर से चिल्लाने लगी। आ, 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 अरे बहू क्या हो गया। माँ, माँ। स्वरा ने अपनी नाक पर हाथ रखा और वो एक उंगली से चिकन की तरफ इशारा करने लगी। अरे क्या है वहाँ। माधुरी ने जैसे ही अपने घर में मीट देखा तो वो आग बबूला हो गई और जोर जोर से चिल्लाकर एमी को बुलाने लगी। एमी उस वक्त कमरे में बैठी गाने सुन रही थी। जी सासु मॉम। बहू क्या ये तूने मंगवाया है। व्हाट। ओह अच्छा ये। जी हाँ, ये मैंने ही मंगवाया है। एमी अनजाने में उसे उठाने जाने लगी कि तभी माधुरी ने उसे गुस्से में रोक लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ऐसी चीज मंगवाने की। अरे ना समझ मेरा पूरा घर अशुद्ध कर दिया। पर चुप, एकदम चुप। अगर मैंने फिर कभी इस चीज का नाम भी तेरे मुंह से सुना ना तो मैं तेरी जबान को काट दूंगी। मेरे घर में इन चीजों के लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन मीट खाने में बुराई ही क्या है। देवा देवा देवा, ना बाबा ना, ये चीज तो छीछी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हमारी सासू माँ तो लहसुन प्याज से भी परहेज रखती है और तुम तो बस कर स्वरा। अरे मुझे पहले ही डर था कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। देख बहू, अभी तो तूने नादानी में ऐसा कर दिया, लेकिन मेरे घर में ये सब खाने वालों के लिए जगह नहीं है, तो आगे से इन सब चीजों से दूर रहना। और हाँ, इस बवाल को बाहर कुत्तों को डालकर खुद को और घर को पवित्र कर देना। माधुरी ऐसे बोलकर कमरे में चली गई। स्वरा भी घिन मानती हुई अपने कमरे में चली गई और एमी उनका मुंह देखती रह गई। व्हाट द हेल, अब ये मुझे चिकन से भी जुदा कर देंगी क्या। ओह गॉड। एमी ने वहां से सब कुछ साफ कर दिया और वो अपने कमरे में चली गई। इसी तरह बिना नॉनवेज खाए एमी का लगभग एक महीना बीत गया। अब उसे बहुत ज्यादा मीट खाने का मन हो रहा था तो उसने एक दिन मौका देखकर, जब उसकी जेठानी और सास घर में नहीं थी, फ्राइड चिकन ऑर्डर कर दिया। ओह गॉड, बस मेरा ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट चिकन जल्दी से आ जाए। लगभग आधे घंटे में एमी का ऑर्डर आ गया और वो उसे मजे लेकर अपने कमरे में खाने लगी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया डियर चिकन। एमी उसमें सॉस लगा लगा कर बड़े ही मजे से खा रही थी कि तभी उसकी जेठानी और सास घर लौट आए और एमी को आवाज देने लगे। ओह गॉड,
मुझे इसे कहीं छिपाना होगा। एमी क्या कर रही हो, जल्दी आओ। आ रही हूँ। एमी जल्दी जल्दी से चिकन को छिपाकर अपना चेहरा साफ किए बिना ही अपनी सास के पास चली गई। जी सासू माँ। ये तेरे चेहरे पर क्या लगा हुआ है? एमी घबरा गई। कुछ नहीं। ये बदबू। बहू सच सच बता। सच में तो वो क्या वो? एमी डर गई और उसे अपनी सास को सब कुछ बताना पड़ा। सारी बात सुनकर माधुरी गुस्से से लाल पीली होने लगी। अरे मुझे बस यही डर था। अरे क्या इस दुनिया में लड़कियों का काल पड़ गया था जो मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे की? तूने सत्यानाशी मेरे सारे रिवाजों को तोड़ दिया। माधुरी खूब एमी को बुरा भला सुनाने लगी। एमी को गुस्सा आ गया और वो बोली, नॉनवेज खाने में बुराई क्या है? अरे इस दुनिया में आधे से ज्यादा लोग मीट खाते ही हैं सासू मम, और अगर हम लोग इन्हें नहीं खाएंगे तो एक दिन इनकी आबादी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये हम लोगों को खाने लगेंगे। मीट इतना खाया जाता है लेकिन फिर भी जानवरों की कमी महसूस नहीं होती। क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इनकी पैदावार बहुत ज्यादा है और नॉनवेज खाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ ये मेरी गलती थी जो मैंने इस घर में नॉनवेज खाया, तो ठीक है अब से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी लेकिन सिर्फ इस घर में। अगर मेरा मन होगा तो मैं बाहर जाकर जितना चाहूं उतना नॉनवेज खा सकती हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए, मैं अपने पति के साथ कहीं और रह लूंगी। अपनी बहू की इतनी बातें सुनने के बाद माधुरी को समझ ही नहीं आया कि वो आगे क्या बोले, और उसने अपनी बहू को बाहर जाकर नॉनवेज खाने की इजाजत दे दी। किसी भी इंसान के साथ जोर जबरदस्ती करना अच्छा नहीं है। हमें क्या खाना है, क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है, ये हमारे हाथ में है। बस शर्त है कि हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। एमी ने भी अपनी सास की बातों को माना और उसने कभी भी घर में नॉनवेज नहीं मंगाया। ऐसा करने से कभी घर में कलेश भी नहीं हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे।